फैमान खान के धर्म पत्नी शो में आई ये बड़ी खबर। सुम्बुल तौकीर खान के लिए एकता कपूर ने कही ये बड़ी बात। चलिए आपको भी बताते हैं कि क्या कुछ कहा है और क्या फैंस डिमांड कर रहे हैं सुम्बुल और फैमान को लेके। तो इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। धर्म पत्नी शो जहाँ अपनी शादी विवाह के चलते इस समय लाइमलाइट में आ चुका है और इस शो की नई ट्विस्ट और टर्निंग देख के काफ़ी ज़्यादा टीआरपी भी हाई हुई है। फैमान खान के उमदा परफॉर्मेंस ने चार चांद लगाया है शो में, लेकिन फिलहाल के लिए शो अभी भी उतना ज़्यादा लाइमलाइट नहीं ले पा रहा है या फिर शो उतनी रफ्तार से नहीं दौड़ पा रहा है ये कह सकते हो जितने कि इश्क में घायल या फिर जुनूनियत जैसे शो चल रहे हैं। लेकिन धर्म पत्नी शो जो है वो फिलहाल के लिए ट्रैक पर आ चुका है और सुम्बुल तौकीर खान को लेकर जो फैंस भारी डिमांड कर रहे थे वो शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में एकता कपूर इस पर मुहर भी लगा दे। फिलहाल एकता कपूर सुम्बुल को लेके कई सारे बड़े प्रोजेक्ट की कास्टिंग की जा रही है, तो यहाँ पे अभी तक कंफर्म नहीं है कि क्या वो धर्म पत्नी के लिए ही है या फिर कुछ और है। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूँ, धर्म पत्नी में आने वाले दिनों में एक बार फिर होने वाली है एक बड़े एक्ट्रेस की एंट्री, तो ये साफ तौर पे इशारा है। लेकिन हाँ, अभी मैं आपको ये बता दूँ, किसी भी तरीके से कन्फर्म न्यूज़ नहीं है। हो सकता है कि किसी नए चेहरे में सुम्बुल की एंट्री हो इस शो में। वैसे एकता कपूर यूँ ही टीवी की क्वीन नहीं मानी जाती है। एकता कपूर को पता है कि अगर सुम्बुल और फैमान की जोड़ी स्मॉल स्क्रीन पे आती है तो वो बिल्कुल हिट रहेगी और कलर्स के नंबर वन शो बनने से इस शो को कोई नहीं रोक सकता। वेल, ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या एकता कपूर धर्म पत्नी शो में फैमान के अपोजिट सुम्बुल की एंट्री कराती हैं या फिर नहीं। वेल, आपका क्या है ओपिनियन? क्या आप भी वाकई इस फैमान के अपोजिट सुम्बुल तौकीर खान को स्मॉल स्क्रीन पर देखना चाहते हो? बताइएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।